नमस्कार दोस्तों डी एर मधुर सिन्हा स्वागत है आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लास टेंथ के मैथ के एक्सरसाइज बारह से है और चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल तो यहाँ देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि वृत्त की परिधि दिया रहे तो उसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करें तो यहाँ पर जो है अगर हमें वृत की परिधि वृत की परिधि जो है दिया रहे तब तो जो है इसका त्रिज्या कैसे ज्ञात करना है तो यहाँ देखिए हल लिख लेते हैं यहाँ पर हल माना कि माना कि वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि बराबर पी दिया है ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया रहेगा तब जो है तब वृत्त की परिधि क्या होता है तो टू पाई आर बराबर क्या होगा पी अब इसके बाद जो है हमें अगर आर मान निकालना हो तो इसके लिए जो है क्या करेंगे टू गुने बाय सात गुने आर बराबर पी अब आर अगर हमें निकालना होगा तो यह देखिए क्या होगा पी गुने सेवन तो सेवन गुने पी बट्टा बाईस गुने दो बाईस गुने दो आर बार कितना आएगा सेवन पी बट्टा बाईस गुना चौवालीस तो यहां पर जो है तो आर कमान जो है हम इस तरह से निकालेंगे इसके लिए जो है एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन यानी देखिए यहां पर जो क्वेश्चन लिए हम कि यदि वृत्त की परिधि चौवालीस सेंटीमीटर है तो उसकी तिरजिया क्या होगी देखिए इसका हल दिया गया है कि दिया गया है कि दिया गया है कि वृत्त वृत्त की बराबर, की परिधि परिधि बराबर बराबर 44 सेंटीमीटर अब इसके बाद जो है वृत्त की परिधि क्या होता है तो यहां देखिए टू पाई आर लिखे हैं टू पाई आर बराबर क्या होगा चौवालीस सेंटीमीटर फिर इसके बाद जो है क्या होगा गुने पाई मान कितना होगा सात गुने आर बराबर चवालीस सेंटीमीटर बाइस दुने चवालीस और दो से दो कट गया तो यहाँ पर जो है आर का मान कितना आ जाएगा सेवन सेंटीमीटर आ जाएगा तो अगर हमें वृत्त की वर्धि जो है दिया है तब जो है हम त्रिज्या इस तरह से निकालेंगे तो ये जो है अपना आंसर है तो हम उम्मीद कर देंगे आपको जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद